नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। अयोध्या में दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। अब रात 10 बजे तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। भीड़ की वजह से आज आरती के वक्त में दर्शन कराए गए। राम मंदिर पर पीएम मोदी ने मंत्रियों से लिया फीडबैक। कैबिनेट की बैठक में पूछा, जनता के बीच क्या संदेश है? पीएम की मंत्रियों से फरवरी में अयोध्या नहीं जाने की अपील है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार के बयान से हलचल बढ़ चुकी है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। नीतीश ने कहा, हमें प्रधानमंत्री जी ने फोन नहीं किया, मीडिया से पता चला। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल में। इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस बोली, बिना ममता गठबंधन की कल्पना नहीं। और बंगाल के बाद पंजाब में भी इंडिया गठबंधन में गांठ। आम आदमी पार्टी का सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। सीएम भगवंत मान बोले, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू नेता केसी त्यागी पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस कई राज्यों में एक भी सीट नहीं देना चाहती है। केसी त्यागी ने कहा, बीजेपी की चुनावी तैयारी सबसे बेहतर, केसी त्यागी बोले। और एक और बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी सर्वे की रिपोर्ट पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश। सभी पक्षकारों को एएसआई सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी। रिपोर्ट के लिए कोर्ट में पक्षकारों को आवेदन देना होगा। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र और बंगाल में ईडी का एक्शन। बैंक घोटाले में मुंबई में रोहित पवार से 10.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। राशन घोटाले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर फिर से छापा पड़ा है। और चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर का चुनाव। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की याचिका पर आदेश। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रेजर में बताना यह जरूरी हो जाता है कि कौन कौन सी वो खबरें हैं जो कि आज सुर्खियों में हैं। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, नीतीश बाबू फिर से कुछ गड़बड़ है क्या? नीतीश ने आज क्यों कहा प्रधानमंत्री मोदी का फोन नहीं आया? नीतीश कुमार किस कॉल के इंतजार में बैठे हैं? दूसरी खबर, दीदी बोली पूछा नहीं। राहुल बोले, मैंने बात की थी। इंडिया गठबंधन में खेल कौन खेल रहा है? तीसरी खबर, ममता और भगवंत मान ने आज ही कांग्रेस को ना क्यों कहा? बंगाल से पंजाब तक राहुल के लिए मुश्किल कैसे बढ़ गई है? और चौथी खबर, आज कैबिनेट की मीटिंग थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव आया, लेकिन इस मीटिंग में अचानक भावुक क्यों हुए प्रधानमंत्री? पांचवी खबर, ईडी की टीम ने गेट का ताला तोड़ा, घर के अंदर घुसी, वांटेड शाहजहां को ढूंढा दीदी राज में। ईडी फिल्मी अंदाज में क्यों दिखी है? फिक्र आपकी में आज की सबसे पहली और बड़ी खबर राजनीति के उस खेल की है जिसमें हर किसी ने अपने अपने दांव चलना शुरू कर दिया है। और आज दिन भर जो ट्रेंडिंग न्यूज बनी रही वो देखते हैं। इस खेल में आज चार मुख्य किरदार। पहली ममता बनर्जी, जिन्होंने आज बंगाल में इंडिया से ही खेला कर दिया। बंगाल में ममता एकला चलेंगी। दूसरे भगवंत मान, जो ममता की राह पर चले और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। तीसरे राहुल गांधी हैं, जो बंगाल को लेकर अलग तरह की सियासत करते नजर आए। चौथे किरदार हैं नीतीश बाबू, जिन्होंने आज पीएम मोदी की तारीफ की और बताया कि वो एक खास फोन के इंतजार में बैठे हैं। आज की राजनीति के इन चार खिलाड़ियों में पहले बात नीतीश कुमार की। आज कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी है। जेडीयू ने पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में पहुंचे, मंच पर आए, माइक संभाला और 32 मिनट तक बोले। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की। ऐसा करते हुए उन्होंने 3 बार खुशी जताई और 5 बार प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। आप सुनिए नीतीश कुमार का धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी के नाम। तो मुझे खुशी है, मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तो बधाई देता हूं। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं। आप इस सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद दे कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, न जाने अब कहां जाने का प्लान कर रहे हो। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने परिवारवाद और एनडीए में जाने की अटकलों पर भी बात की। हालांकि संकेतों में कही गई बात थी, लेकिन सियासत संकेतों का खेल है। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के बहाने परिवारवाद पर कटाक्ष किया, यानी लालू प्रसाद यादव पर संकेतों की भाषा में हमला माना गया।
अब सवाल उठता है कि क्या ये अटकलें सही हैं कि लालू से दूर नरेंद्र मोदी के करीब नीतीश कुमार जाने वाले हैं, क्या वो फिर पलटी मारने वाले हैं? बिहार के पूर्व सीएम और लालू नीतीश के राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की तो इस ऐलान से नीतीश कुमार की सियासत ने नई करवट ली। जिन नीतीश को प्रधानमंत्री फूटी आंख नहीं सुहाते थे उनकी तारीफों में वो कसीदे पढ़ने लगे, पीएम मोदी का बार बार धन्यवाद करने लगे। इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। नीतीश यहां तक कह गए कि पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को फोन किया, अच्छा किया, लेकिन उन्हें भी फोन करते तो बात और ही होती। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी तो हमको सब यही फोन किए हैं तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं। तो क्या नीतीश कुमार को पीएम मोदी के फोन नहीं आने का मलाल था और क्या उन्हें अब भी मोदी का फोन आने का इंतजार है? सियासत में कभी बात सीधी सीधी नहीं होती, इशारा संकेतों में दिया जाता है। जैसे ये तस्वीर जो 14 साल पहले की है, लुधियाना में रैली की है, तब नीतीश और मोदी में सियासी खटास ज्यादा थी लेकिन मंच पर मोदी आए, अचानक से नीतीश का हाथ उठाया और आगे के लिए तल्खियां मिट गई। तो क्या नीतीश को इस बार भी तल्खी मिटने की आस है और पीएम मोदी से पहल की उम्मीद है? सुनिए नीतीश ने कैसे इसके बाद मोदी की राह पर चलते हुए परिवारवाद पर कटाक्ष किया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे? आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। नीतीश लालू के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लालू पर पीएम मोदी परिवारवाद के बहाने जमकर हमला बोलते रहे हैं लेकिन अब नीतीश के सुर मोदी से मिले हैं और वो इतने पर ही नहीं रुके। हम लोग तो जो डिमांड करते रहते थे तो वो डिमांड तो एगो मान लिया तो चलिए ठीक है, लेकिन और भी जो हम लोगों का डिमांड है उसको भी लोग माने, यही हम तो कहना चाहते हैं। समझने वाली बात यह है कि क्या मोदी सरकार अगर नीतीश की इन मांगों को मान लेगी तो वो एनडीए में वापस आ जाएंगे। वैसे नीतीश के पलटने का सियासी इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। साल 2013 में बीजेपी से अलग हुए और 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। दो साल बाद 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी से उन्होंने हाथ मिलाया। फिर 2017 में महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। 5 साल बाद फिर 2022 में वो एनडीए छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन का हिस्सा बन गए।